नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 6 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा प्रथमो भाग जो आपकी संस्कृत विषय की पाठ्यपुस्तक है उसका जो चैप्टर 9 है बच्चों, उसका हिंदी ट्रांसलेशन सीखा, साथ ही सभी अभ्यास प्रश्न हल किए। और आज की कक्षा में बच्चों हम दसवां पाठ है चैप्टर 10 जो कृषिकः कर्मवीरः, इस पाठ का बच्चों हम हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम जो कठिन शब्द दिए गए हैं बच्चों पेज नंबर 59 पर, पहले उन्हें समझ लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला शब्द है तपतु। तपतु का अर्थ होता है तपाए या जलाए। नेक्स्ट है बच्चों विपुलम। विपुलम का अर्थ होता है अत्यधिक। नेक्स्ट है कर्मठौ। कर्मठौ का अर्थ होता है निरंतर क्रियाशील। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों सस्वेदम। सस्वेदम, सस्वेदम का अर्थ होता है बच्चों पसीने से युक्त। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों पदत्राणे। त्रा धातु है बच्चों, इसमें त्रा धातु रक्षा करने के अर्थ में आती है। पद यानी पैर, पैरों की रक्षा कौन करते हैं? जूते करते हैं। ठीक है, तो पदत्राणे का अर्थ क्या हुआ? जूते, शूज। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों वसनानी। वसन किसका पर्यायवाची है? वस्त्र का, कपड़े का। ठीक है ना, तो वसनानी का अर्थ हुआ कपड़े। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों जीर्णम। जीर्णम का अर्थ होता है पुराना। नेक्स्ट है वार्यतुम। वार्यतुम का अर्थ होता है दूर करने में। नेक्स्ट कठिन शब्द बच्चों क्षमम। क्षमम का अर्थ होता है समर्थ। नेक्स्ट है सस्य पूर्णानि। सस्य का अर्थ होता है फसल से, और पूर्णानि, सस्य पूर्णानि का पूर्ण रूप से अर्थ होगा फसल से युक्त। नेक्स्ट है धरित्री। धरित्री का अर्थ होता है पृथ्वी। नेक्स्ट है कंटकावृता। कंटक कांटे को बोलते हैं, और आवृत यानी परिपूर्ण। पूर्ण रूप से कंटकावृता का अर्थ होगा कांटों से परिपूर्ण। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों क्षुधा तृषा कुलौ। क्षुधा तृषा कुलौ, क्षुधा प्लस तृषा प्लस आकुलौ। क्षुधा मीन्स भूख, तृषा मीन्स प्यास, और आकुल यानी बेचैन। तो क्षुधा तृषा कुलौ का पूर्ण रूप से अर्थ बनेगा बच्चों भूख प्यास से बेचैन। चलते हैं पुनः पाठ के प्रारंभ में। दशमा है पाठ है दसवां पाठ चैप्टर 10 पाठ 10 कृषिकः कर्मवीरः। नेक्स्ट पहला श्लोक है बच्चों सूर्यस्तपतु मेघः वा वर्षन्तु विपुलं जलं कृषिकः कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। रिपीट करती हूँ मैं। सूर्यस्तपतु मेघः वा वर्षन्तु विपुलं जलं कृषिकः कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। अर्थ हुआ बच्चों इसका कि सूर्यस्तपतु, तपतु का अर्थ होता है तपाए, मेघ यानी बादल। तो सूर्य चाहे सूर्य तपाए या फिर मेघ, मेघ यानी बादल। वर्षन्तु विपुलं जलं, विपुलं यानी अत्यधिक जल यानी पानी। चाहे सूर्य तपाए चाहे बादल अत्यधिक जल बरसाए। कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ। कृषिका और कृषिको यानी कि जो किसान और उसकी पत्नी है दोनों हमेशा नित्यम, नित्यम मीन्स निरंतर, हमेशा रेगुलरली शीतकाले अपि, शीतकाले पे यानी अपि यानी भी, शीतकाल यानी सर्दी में भी क्या करते हैं वो कार्य करते रहते हैं। कर्मठौ, कर्मठौ मीन्स निरंतर क्रियाशील, निरंतर वो कार्य करते रहते हैं। यानी कि बच्चों चाहे सूरज तपाए चाहे बादल अत्यधिक जल बरसाए, किसान और उसकी पत्नी जो है वो दोनों हमेशा सर्दी में भी कार्य करते रहते हैं। अर्थात किसान सर्दी गर्मी बारिश आदि सभी ऋतुओं में सदा खेत में काम में लगे रहते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। रिपीट करती हूँ मैं। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे यानी कि गर्मी में शरीरम सस्वेदम, शरीर उनका सस्वेदम यानी कि पसीने से युक्त। कंपमयम सदा, शीते कंपमयम सदा, और शीत में यानी कि सर्दी में ठंड से हमेशा कंपमयम यानी कि कांपता रहता है। यानी कि गर्मी में उनका, किसका? किसान दंपति का, किसान पति पत्नी है उनका
गर्मी में तो क्या शरीर पसीने से युक्त रहता है, पसीने से लथपथ रहता है, और सर्दी में शीते शीते में सर्दी में कंपमयम सदा, सर्दी में ठंड से हमेशा कांपता रहता है। हलेन च कुदालेन तव तु क्षेत्राणि कर्षतः, लेकिन फिर भी वे दोनों हलेन च कुदालेन, हल और कुदाल से, तव यानी वे दोनों कौन, किसान पति पत्नी, वे दोनों हल और कुदाल से सदा क्या करते हैं, खेतों को, क्षेत्र किसको बोलते हैं, खेत को, कर्षतः यानी जोतना, वे दोनों सदा हल और कुदाल से खेतों को जोतते रहते हैं, अर्थात किसान कठिन से कठिन स्थिति में भी अपने खेतों में काम करते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 है बच्चों, पादयोन पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। रिपीट करती हूँ मैं, सुनिए आप लोग, पादयोन पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयोन यानी कि पैरों में पदत्राणे, पदत्राणे किसको बोलते हैं, जूतों को, शूज को, कि पैरों में जिनके जूते नहीं हैं। नेक्स्ट है शरीरे वसनानिनो, और शरीर पर वसनानि यानी कि जिनके कपड़े नहीं हैं, वस्त्र नहीं हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति, जो किसान है उसका उसका जीवन कैसा है, बहुत ही कैसा है, निर्धन और कैसा है, कष्टम यानी कष्टमय है, कष्ट युक्त है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, और सुख तो उनसे दूर ही रहता है, अर्थात बच्चों जो किसान है उसके पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर उसके कपड़े नहीं हैं, और किसान का जीवन है वो बहुत ही निर्धन और कैसा है, कष्टमय है, और सुख तो किसान से बहुत दूर ही रहता है। नेक्स्ट नंबर 4, गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुं क्षमम तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। रिपीट करती हूँ मैं, गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुं क्षमम तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। गृहम, गृहम यानी घर, जीर्णम, जीर्ण का अर्थ होता है पुराना, न वर्षासु वृष्टिम वारयितुं क्षमम, जो किसान है उसका घर कैसा है, जीर्ण, पुराना सा है, और जो कि वर्षासु यानी कि वर्षा को, वृष्टिम वर्षा, वृष्टि यानी कि जो बारिश होती है तब उसको वारयितुं हटाने में, रोकने में क्या, क्षमम यानी समर्थ, और न लगा है यानी कि नहीं है, यानी कि जो किसान का घर है पुराना होने के कारण वर्षा के समय बारिश का पानी अंदर आने से, घर के अंदर आने से रोकने में कैसा है, असमर्थ है। फिर भी किसानों की कर्म निष्ठा नष्ट नहीं होती, अर्थात वे अपने काम में क्या करते हैं, लगे रहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकाव्रता। रिपीट करती हूँ, तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकाव्रता। तयो हो, तयो अर्थात उन दोनों किसके लिए आया है, किसान और उसकी पत्नी के लिए, उन दोनों के परिश्रमेण यानी कि उन दोनों के श्रमेण, श्रमेण यानी परिश्रम करने से, मेहनत करने से, क्षेत्राणि जो खेत है वो सस्य पूर्णानि सर्वदा, सर्वदा मीन्स हमेशा, जो उन दोनों के यानी कि किसान पति पत्नी के मेहनत करने से, श्रम करने से जो खेत है वो हमेशा सस्य पूर्णानि, हमेशा कैसे होते हैं, फसलों से युक्त रहते हैं, यानी कि उन दोनों के किसान पति पत्नी के परिश्रम से खेत सदा फसलों से युक्त, फसलों से लहलाते रहते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 की सेकंड पंक्ति है, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकाव्रता। धरित्री यानी कि जो धरती शुष्का, शुष्का में सूखी और कांटों से परिपूर्ण, कंटकाव्रता यानी कि कांटों से परिपूर्ण, कांटों से युक्त होती है, वह भी क्या उन दोनों के परिश्रम से कैसी हो जाती है, सरसा, सरसा में हरी भरी हो जाती है, अर्थात जो धरती सूखी और कांटों से युक्त होती है वह भी किसान पति पत्नी के परिश्रम करने से कैसी हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। नेक्स्ट नंबर 6 अंतिम श्लोक है बच्चों, शाकम मन्नम फलम दुग्धम तत्वा सर्वेभ्य एव तव शुधा तृषा कुलौ नित्यम विचित्रौ जन पालकौ। रिपीट करती हूँ मैं, शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तव शुधा तृषा कुलौ नित्यम विचित्रौ जन पालकौ।
शाकम, शाकम का अर्थ सब्जियाँ। अन्नम यानी अनाज, फलम यानी फल फ्रूट्स, दुग्धम दूध, दत्वा यानी देकर के, सर्वेभ्य यानी सभी को, एव तव, एव यानी ही और तव यानी वे दोनों। अब वे दोनों किसके लिए आया है, वापस पुनः किसान पति पत्नी के लिए आया है, यानी कि बच्चों कि वे दोनों यानी कि किसान और उसकी पत्नी सभी को क्या करते हैं, सब्जी अनाज फल और दूध आदि देकर के स्वयं कैसे रहते हैं, स्वयं रहते हैं भूख और प्यास से कैसे रहते हैं, बेचैन रहते हैं। क्षुधा यानी भूख, तृष्णा यानी प्यास, आकुल यानी बेचैन। नित्यम विचित्रो जन पालको, ये जो जन पालक है बच्चों, जो हमारे अभिभावक जो हैं ये किसान पति पत्नी, वो कैसे हैं, वे दोनों ही नित्यम कैसे हैं, विचित्र, सबसे अलग है, अनूठे हैं, अनोखे हैं, यानी कि बच्चों दूसरों को खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध करवाने वाले वे किसान स्वयं भूखे प्यासे रहते हैं, और ये कितनी विचित्र बात है। ठीक है बच्चों, तो आज बच्चों हमने आपका जो चैप्टर 10 है कृषि का कर्मवीरा, उस पाठ के बच्चों हमने सभी कठिन शब्द अर्थ सीखे, साथ ही किसान की हमारे जो जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है उसको हमने जाना बच्चों। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में बच्चों इतना ही, अगली कक्षा में हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स है उनको समझेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।